ये देखिए लोग किस हिसाब से मेहनत कर रहे हैं, ये मशीन लेके स्नो हटा रहे हैं, ये शॉवल लेके स्नो हटा रहे हैं, और ये लोग ब्लोअर लेके स्नो हटा रहे हैं। तो अभी ब्लोअर से स्नो हटाते हैं, देखिए हाथ में इनके ब्लोअर है, देख सकते हैं आप, सब लगे हुए हैं स्नो हटाने में ही। और हमारे यहाँ स्नो ही स्नो है, हम स्नो बिल्कुल नहीं हटा रहे हैं। देखो ये क्या हो रहा है, अभी रात के टाइम पे गवर्नमेंट काम कर रही है, वो साफ कर रहा है, और वो आंटी गाड़ी दे रही है क्योंकि उन्होंने पूरा मेहनत से अपना पैनल साफ़ किया था, इसने आके वापस से गंदा कर दिया, तो गाली गलौज चल रहा है। रात को साफ़ सफाई चल रहा है, इधर देख सकते हो साफ सफाई हुआ है, इधर अभी देखो गाड़ी पड़ने वाला है इसको, अभी शायद लफड़ा हो सकता है। यहाँ देखिए, यहाँ इनका गंदा कर दिया था इसलिए लोग लड़ाई करने आए हैं, यहाँ गाली गलौज चल रहा था थोड़ा थोड़ा, लेकिन यहाँ पीसफुल गाली गलौज चलता है। टू द व्लॉग, और आज हमारा तीसरा दिन है स्नोफॉल का, अभी भी हम जद्दोजहद में पड़े हुए हैं, गाड़ियाँ अभी भी ऐसे ही पड़ी हुई है, चेंजेस कुछ आने वाले नहीं हैं, भले स्नो प्लोअर वाली गाड़ियाँ ने बहुत काम किया है, लेकिन स्टिल बर्फ का टीला लगा ही हुआ है हर साइड हर जगह, बस थोड़ा हमारा रास्ता सिंप्लीफाइड हुआ है, बाकी बिग चेंजेस नहीं है। और अभी शाम का 7 बज रहा है, और हमारा प्लान है अभी मैकडॉनल्ड जाने का, क्योंकि हमने फ्रेश एयर नहीं लिया था बहुत देर से, क्या होता है हीटर के अंदर जो अपना एयर रहता है वो उतना मज़ा फील नहीं देता है, सुकून नहीं देता है, सो वी नीड फ्रेश एयर, और हम फ्रेश एयर लेने बाहर आ गए, अभी फ्रेश एयर लेने आए हैं थोड़ा वॉक करने, और साथ में मैकडी खुला हुआ है, सुनने में मैकडी में भी खाना खा के फिर लौटेंगे। यहाँ आपको दिख रहा है कि यहाँ रास्ता है, अपना चलना थोड़ा सिंप्लीफाइड हो गया है, इसी तरह चेंजेस आता है। अभी भी देखो स्नो गिर रहा है, स्नो बंद नहीं हुआ है, स्नोफॉल अभी भी चालू है, लेकिन खुशी की बात यह है कि रास्ता बना हुआ है, और ये रास्ता ही है जो है, इसी पे हम लोग चलते चलते पहुंच जाएंगे। अब स्नो बगल में इकट्ठा होते जा रहे हैं, ये हमारा छोटा सा प्यारा सा सुरंग। देखो लग रहा है पहाड़ पे चल रहे हैं, और यहाँ से इतना नीचे है, ये है देखो 4 फुट की बर्फ। हाँ आराम से, आराम से रिकॉर्डिंग करते करते चलना बहुत मुश्किल है। अब आ गए नीचे, और ये सब लोग देख रहे हो कितना हाइट है, इतना हाइट से चढ़ के आ गए यहाँ। ओह यहाँ देखिए, इसे पता नहीं चलता है कहाँ पे पेमेंट का हाइट है, लोग साइकिल चला रहे हैं, गिरेंगे भयंकर अगर ज़्यादा चलाएंगे तो। कितना बर्फीला है समा, बर्फ ही बर्फ है, हम चले जा रहे हैं उल्टा, क्योंकि अब कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है। आइए आइए, लेट्स गो लेट्स गो। देखो ये 4 लेन रोड हुआ करता था, यहाँ सिग्नल हुआ करता था, जो अभी कोई फ़ायदा नहीं जिसका, इधर ग्रीन दिखा रहा है, इधर से क्या ग्रीन होगा, इधर गाड़ी तो अटकी पड़ी है, इधर देखो गाड़ी रोड से साइड में आके अटकी पड़ी हुई है, सब अटका ही पड़ा है,
अभी सिग्नल का कोई मायने नहीं है, और ये 4 लेन 2 लेन हो गया है, या बोला जाए तो एक्चुअली में 1 लेन हो गया। देखो एक ही गाड़ी जा पा रही है, उतना स्पेस नहीं है, कोई भी दुकान खुली नहीं है क्योंकि कोई आएगा ही नहीं खाने। एक मैकडॉनल्ड्स पे हमें भरोसा है जो इवेंचुअली वहाँ पहुँच के वहाँ चली जाएगा। यकीन मानिए यहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या है, लेकिन यहाँ पे एक सीट हुआ करता था। अभी मैं दिखाता हूँ, अभी मैं सीट के ऊपर हूँ। ये देखो यहाँ पे एक सीट था जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ, यहाँ लोग बैठते थे नॉर्मल जीवन में, लेकिन अब तो दुनिया ही बदल गई है। सो कहानी खत्म है, लेट्स गो। ये तो मिस्टर आशुतोष, फाइनली फ्रेश एयर लेके कैसा लग रहा है? फ्रेश एयर लेके ऐसा ही लग रहा है कि जैसे जन्नत में आ गए हों, इसको आप दूसरा कश्मीर भी कह सकते हैं। तो जैसे आप चारों तरफ देख रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा बर्फ गिरी पड़ी है, अप्रॉक्सीमेटली अभी भी यहाँ पे 2 से 2.5 फीट की बर्फ है। yeah. जैसा कि मेरा दोस्त दिखा रहा है आप लोग। फाइनली अब हमसे चला नहीं गया उधर पे, तो हम रोड पे ही चल रहे हैं जो कि लीगल है, लेकिन चल रहे हैं क्योंकि हालत ख़राब हो रही थी। ये देखिए इसके बैठने में आ रहा है कि इसका देखिए ये अप्रॉक्सीमेटली 2 या 2.5 फीट की स्नो है। बताइए इसमें आदमी चलेगा तो घुस ही जाएगा। 2.5 फीट की अप्रॉक्सीमेटली आपके कमर तक आ जाएगी, बेली तक। फिसलन वाली तो है लेकिन ठीक है, अब इतना स्नो में चलने से अच्छा तो है कि अपन थोड़ा फिसलन बर्फ पे ही चल लें। ओहो सामने से गाड़ी आ रही है, इसलिए अपने को अपसाइड होना पड़ेगा। तो इंडिया में जब क्रिसमस होता था तो ऐसे ऐसे जो पेड़ सब हैं उनको हम थर्माकोल से सजाते थे कि यार इस स्नो का इफेक्ट है। यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ इतना स्नो है कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि स्नो का इफेक्ट कम हो एटलीस्ट, लेकिन कोई नहीं। मैरी क्रिसमस, ये भागो। तो आप देख सकते हैं कि कितना कितना बर्फ हो गया है, मेरे हाइट से ऊपर का बर्फ है यहाँ पे। यू सी राइट, 6 फीट का आदमी हूँ मैं और 6 फीट से ऊपर का बर्फ है इधर। इतना इतना बर्फ में आदमी जाए तो झुड़ अंदर ही घुस जाए भाई साहब। सतर्क रहें, ऐसे देश में आके बर्फ से सतर्क रहें, ठीक है। कहाँ चलना है भाई? मैकडी तो बंद निकला, हमारा पोपट हो गया है। हाँ गिनो पिज्ज़ा। पिज्ज़ा पता नहीं उधर महंगा पड़ेगा। और ये तुम्हारा क्या होती है सबवे? क्या सबवे? हाँ सबवे भी देखेंगे। बनता है सबवे तो? अभी बनता? हाँ कोई ना। हमारा दोस्त धोखेबाज जो इंटरनेट पे दिख रहा था खुला है और यहाँ बंद पड़ा है। बताइए ऐसा कोई करता है? बर्फ़ में कोई धोखा देता है? बताइए, नहीं देता। देखिए जब बर्फ़ होता है तो चीज़ें लूटपाट हो जाती है। यहाँ किसी ने तोड़ दिया है, अंदर जाके कुछ लूटपाट कर लिया है। देख सकते हैं आप जूते उते पड़े हुए हैं, यू कैन सी राइट। बर्फ़ के समय अपने डाउन टाउन में भी थोड़ा लूटपाट हुआ है, इधर भी थोड़ा लूटपाट हो गया है। बर्फ़ का टाइम ही ऐसा होता है कि थोड़ा आदमी लूटपाट कर लेता है। हर इंसान का स्ट्रगल चालू रहता है, और स्ट्रगल में आदमी क्या करता है अपन इंडिया में भी देखते हैं, पाकिस्तान में भी देखते हैं कि राइड्स होते हैं, लूटपाट होता है। सेम चीज़ है यहाँ भी, यहाँ का आपातकालीन चीज़ यानी इमरजेंसी थिंग यही है स्नो। तो अभी अपना सारा सामान खरीदा जा चुका है, सब सामान वगैरह रिश्तों की Please place the arrow. 1.13. चलो ठीक है, हो गया। पेमेंट कर दो रस्तों की। हमारा सारा सामान आ चुका है, सामान सब रख लें वापस, इसमें बैग में भी रखना होगा। काम चल रहा है, ये अभी बर्फ़ हटा रहा है पूरे पेट्रोल पंप के ऊपर से, देख रहे हो।
यहाँ पूरा बर्फ़ का टीला टीला बना दिया है साइड साइड में, एटलीस्ट मेन जगह को क्लियर कर दिया है। अब जो एक जगह को क्लियर करो तो एक जगह बड़ा सा बन ही जाता है टीला, तो यही है। ये है यहाँ के मज़दूर जो लोग काम करके लौट रहे हैं, मज़दूर इंसान को नहीं, मज़दूर मैं गाड़ी को कह रहा हूँ, क्योंकि यही लोग हैं असली जिन्होंने यहाँ भी रास्ता क्लियर किया है और उस वाले स्ट्रीट में भी देखो रास्ता क्लियर किया है। आधे रास्ते तक तो क्लियर हुआ है लेकिन पूरे डेड एंड तक क्लियर नहीं हुआ है, तो उसका हमें इंतज़ार है। देखिए वहाँ तक बस सिर्फ क्लियर हुआ है, हमारे घर से थोड़ा आगे तक ही, तो हमारा घर अभी भी के लिए ब्लॉक है। लेकिन आज तो हम अब टॉप से कुछ सामान लाने में सक्सेसफुल हुए, जैसे एटलीस्ट दूध मिल गया है, सब्जी तो नहीं मिला। फिर 7-Eleven स्टोर से हमने थोड़ा पिज़्ज़ा उठा लिया है जो कुछ दिन चलेगा। तो अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। पानी देखिए, फिर से स्नो स्टॉर्म आ चुका है और अब हालत ख़राब होने वाली है, इसलिए अब हम घर भाग रहे हैं।